दोस्तों जब से भारत और रूस अच्छे दोस्त बने हैं तब से यह बात भारत के दुश्मन देशों को बिल्कुल हजम नहीं होती है, और ऐसे में वो रूस और भारत के बीच की दोस्ती को तोड़ने के लिए भी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। और उसी क्रम में इस बार अमेरिका ने चालाकी दिखाते हुए एक ऐसी चाल चली ताकि भारत और रूस के बीच की दोस्ती टूट जाए और यह दुश्मनी में बदल जाए। और ऐसे में अमेरिका ने एससीओ मीटिंग में रूस और भारत की मुलाकात को एक अलग तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसी क्या चाल चली और उसके बाद क्या हुआ, तो हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका या फिर कोई और देश क्या भारत और रूस के बीच की दोस्ती को तोड़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक मुलाकात हुई थी, और इस दौरान पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कहा था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि मैं जानता हूं कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, और मैं फोन पर भी इस बारे में आपसे बात कर चुका हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि यह वक्त डायलॉग और डिप्लोमेसी का है। आपको बता दें कि इसके बाद पुतिन ने यह भी कहा कि वे जल्द से जल्द युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मोदी और पुतिन की इस बातचीत के बाद अमेरिका में क्यों जश्न मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी को हर मुद्दे पर कोसने वाला अमेरिकी मीडिया अब अचानक से पीएम मोदी का दीवाना हो गया है, और ऐसे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भारत और पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ये अखबार अचानक तारीफ करने में क्यों लग रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के कई पत्रकार पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत को इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि मानो दोनों देशों के बीच दरार आ गई है। बता दें कि ये लोग न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा कह रहे हैं कि पुतिन को मोदी ने फटकार लगाई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पश्चिमी मीडिया का एक जाल है जिसमें वे भारत और रूस को फंसाना चाहते हैं। पीएम मोदी की तारीफ करके ये लोग एक झूठा नैरेटिव चलाना चाहते हैं, और तारीफ की आड़ में ये लोग पीएम मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन पर हमला करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अब भारत और रूस के बीच की दोस्ती की चर्चा ना हो, बल्कि लोगों के दिमाग में अब यह बैठ जाए कि पीएम मोदी ने पुतिन को चेतावनी दी है लेकिन अपने इस काम में ये लोग सफल होते नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों देखा जाए तो ये लोग रूस और भारत के बीच हुई बातचीत का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि भारत तो यह शुरुआत से ही बोलता आ रहा है कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, और भारत पहले भी रूस को युद्ध रोकने के लिए कहता आया है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने इस बार भी कोई नई चीज नहीं बोली है। और अगर बात करें रूस की तो पुतिन भी इस युद्ध से वह हासिल कर चुका है जो वह करना चाहता था, और अब खुद पुतिन भी इस युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाहते और वह भी इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की यह चाल बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाली। दोस्तों ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद कीजिएगा। चलिए अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों हाल ही में हुई एससीओ समिट के दौरान भारत ने दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाई है, और इस मीटिंग के दौरान भारत भी दूसरे देशों को बराबर टक्कर देता दिखाई दिया, और बड़े बड़े देशों के सामने भी भारत की शख्सियत काफी उभरती नजर आई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी बड़े बड़े देशों की तरह ही टेक्नोलॉजी और दूसरे मामलों में काफी आगे निकलता जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। और यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद भारत को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो कि भारत के लिए काफी सम्मान की बात है। ऐसे में अगर आप इस फैसले के बारे में जानेंगे तो अपने देश पर काफी गर्व महसूस करेंगे। और तो और एससीओ के इस फैसले का रूस और चीन ने भी समर्थन किया है, और इसके लिए उन्होंने भारत को बधाई भी दी है। ऐसे में क्या है वो फैसला, इसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत की सफलता के बारे में आपकी क्या राय है।
जिस तरह से भारत बड़े से बड़े देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और काफी आगे निकलता जा रहा है, उस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं खबर को विस्तार से। दरअसल पीएम मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन में शिरकत लेने के दौरान भारत के वाराणसी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है, और वो फैसला यह है कि भारत अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी करने वाला है, और इस कड़ी में भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। बता दें कि उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल होने वाले एससीओ समिट की मेजबानी करने की बधाई दी है, और वाराणसी के हिस्से में यह सफलता आने के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन देने के लिए बाकी सभी सदस्य देशों का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ के सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और इस आयोजन में भारत के विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, फोटो जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स और अन्य अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा, और इसके अलावा एससीओ देशों को भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी पेइचिंग में है, और एससीओ 8 देशों की सदस्यता वाला एक आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। दोस्तों, ऐसे में भारत को अगले साल के लिए इतना बड़ा मौका मिलना सच में काफी सम्मान की बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े देशों के बीच यह मौका किसी और देश को ना मिलके भारत को मिला है, जबकि यह किसी और देश को भी मिल सकता था। ऐसे में यहाँ पर रूस भारत की इस कामयाबी से खुश है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की इस कामयाबी से काफी ज्यादा जल भून गए हैं। यही वजह है कि भारत को यह पहला मौका मिलने के बाद रूस ने आगे बढ़कर भारत को बधाई दी, जबकि चीन और पाकिस्तान ने भारत से जरा सी भी बात नहीं की और दूरी ही बनाए रखी। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है भारत को जो इस समिट के दौरान कामयाबी मिली है उससे आगे जाके भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इससे बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।